भारत के अन्य लाखों गांवों की तरह ये है ग्राम बाजारवाड़ा। लेकिन इस गांव ने अपनी अलग पहचान बनाई है। इस गांव में पानी की भारी किल्लत थी। खेती के लिए तो दूर, पीने के लिए भी पानी बड़ी मुश्किल से मिलता था। गांव के हैंडपंप सूख चुके थे। पानी का मूल इन लोगों से अधिक कौन समझ सकता था। वर्ष 2019 में महाराष्ट्र शासन के जलयुक्त शिवार अभियान में इस गांव ने हिस्सा लिया और इस गांव को पानीदार बनाने का जिम्मा उठाया। ग्राम सभा में निर्णय हुए। गांव के ही कुछ युवकों ने, महिलाओं ने विभिन्न प्रशिक्षणों में हिस्सा लिया। लोक सहभाग और श्रमदान से जल संधारण के काम गांव में होने लगे। मनरेगा योजना से आवश्यक निधि का आवंटन जल संधारण के अलग अलग कामों के लिए किया गया, जिससे नाला गहराईकरण, चौड़ाईकरण, सिंचाई कुआं पुनर्भरण, बांध बंदिस्ती, सीसीटी, सार्वजनिक शोष गड्ढे, ऐसे काम बड़ी संख्या में किए गए। एक और ये काम हो रहे थे तो दूसरी ओर ग्राम सभा में पानी बचत पर चिंतन होने लगा। ज्यादा पानी की आवश्यकता वाली फसलें न लेना, ड्रिप तथा तुषार सिंचाई पद्धति का प्रयोग करना, ऐसे निर्णय लिए गए। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का लाभ बाजारवाड़ा ग्राम पंचायत ने 100% लिया। वर्धा जिला परिषद के विशेष प्रयासों से हर घर नल से जल पहुंचने लगा। पाण्याची टंचाई होती, आम्ही रात्रीचंच पाणी आणायला जात होतो, रात्रीचं पाणी घेऊन यायला लागत होतो। नळ योजना राबवली आमच्या गावामध्ये जल मिशन अंतर्गत, तर आता आमच्या गावामध्ये पाण्याची टंचाई नाही आहे। जिससे महिलाओं के सार्वजनिक जगहों पर पाणी भरने के कष्ट दूर हुए। जलयुक्त शिवार योजना राबवण्याचं गावांनी ठरवलं व जलसंधारणाचं काम केलं, घरोघरी नळ दिले, त्यामुळे गावामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची उपलब्धता झालेली आहे। सर्व शेतकरी गावकरी आनंदी आहेत। इन सब प्रयासों से बाजारवाड़ा ग्राम पंचायत आज समृद्ध हो रही है। सत्यमेव जयते वाटर कप पुरस्कार, संत गाड़गी बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, स्मार्ट ग्राम पुरस्कार, मिशन समृद्धि पुरस्कार, निर्मल ग्राम पुरस्कार, तंटा मुक्त ग्राम पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार हासिल कर चुका बाजारवाड़ा ये गांव आज अपना भविष्य खुद लिख रहा है। भविष्य राज्य और केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण भारत की समृद्धि का, भविष्य मेहनत और एकजुटता से गांव की खुशहाली का, भविष्य ग्रामीण जीवन स्तर और अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने का।